गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 पे है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में साइन सी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बटा कॉस ए प्लस कॉस बी दिया है, तो साबित करना है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए यहाँ दिया जो है पहले इसको लिख लेते हैं, साइन सी बराबर साइन ए प्लस साइन बी और बटा के नीचे है कॉस ए प्लस में कॉस बी। अच्छा, यहाँ साइन सी को हम लिख सकते हैं साइन 180 है ना, माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। चलिए, और इधर भी उसी तरह ऐसे ही रहने दीजिए, पहले साइन ए प्लस साइन बी और बटा में कॉस ए प्लस में कॉस बी। यहाँ हो जाना है साइन ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप फॉर्मूला का जी ऊपर, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 कॉस ए माइनस बी बटा 2, ठीक है। और नीचे भी इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो होता है 2 कॉस ए प्लस बी बटा 2 कॉस ए माइनस बी बटा 2। ये दोनों तो कट जाना है ना, 2 से 2 काट दीजिए, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ भी इसका फॉर्मूला होगा ना, तो इसका होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बटा 2, ठीक है। और बराबर में है साइन ए प्लस बी बाई 2 और बटा के नीचे है कॉस ए प्लस बी बटा 2। तो यहाँ देखिए तो साइन ए प्लस बी बाई 2 ये कट गया। चलिए अब ये आके इसमें गुना कर जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 1 है, इसको इधर लीजिए या 2 को इधर लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 बराबर 1/2। तो कॉस स्क्वायर है ना, तो उधर भी स्क्वायर करना होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 बराबर हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बटा 2 यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए समझ रहे ना इस बात को, कॉस स्क्वायर हट गया, तो ए प्लस बी बटा 2 बराबर 45, यानी कि एंगल ए जो और बी जो है इन दोनों का सम आ गया 90। तो दो एंगल का सम 90 आ गया, तो तीसरा एंगल भी तो 90 हो जाएगा ना। लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। चलिए 180 डिग्री होता है, तो यहाँ ए प्लस बी का सम है 90, तो यहाँ से सी आ जाएगा ना, तो C बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। यही ना साबित करना था कि समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से हो जाएगा अतः ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, 90 आ गया इसलिए समकोण हो गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन